Hello everyone, welcome to BTS online lecture. Today's our topic is acid bases and salts. Okay, what are the sources of acids? Lemon में कौन सा acid पाया जाता है? Citric acid. Tomato में oxalic acid. Grapes में tartaric acid. Milk में lactic acid. Ant में formic acid. Apple में malic acid. And vinegar में acetic acid. तो ये सारे क्या हैं? Acids के sources होते हैं. ठीक है, next है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट. एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है. टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड करते हैं. थर्ड है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. रिलीज एच प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. एच प्लस आयन रिलीज करते हैं किसमें? एक्वा सॉल्यूशन में. एसिड कोरोड मेटल. और एसिड क्या करते हैं? मेटल्स को कोरोड करते हैं या फिर गलाते हैं या जंग लगाने का काम करते हैं. तो अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड. तो एसिड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट है नेचुरल एसिड, सेकेंड है मिनरल एसिड. नेचुरल एसिड. एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. तो इनको नेचुरल एसिड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं. सेकेंड है मिनरल एसिड. इसको मेन मेड एसिड भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं? मेन मेड होते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए एसिड्स होते हैं. और ये क्या होते हैं? मिनरल से बनाए जाते हैं. एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड. फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस एच प्लस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. सेकेंड वीक एसिड. एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज कॉल्ड अ वीक एसिड. मतलब वीक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं किसमें? वाटर में. और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? कम्प्लीटली आयनाइज्ड होते हैं किसमें? वाटर में. मतलब एच प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड होकर देता है और वीक एसिड एच प्लस आयन हाइड्रोजन आयन आयनाइज्ड होकर के ये क्या होते हैं? पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं और स्मॉल अमाउंट में एच प्लस आयन देते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड एंड डिल्यूट एसिड. ये क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड का जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, मोर होता है. बट वाटर का क्वांटिटी क्या होता है? लेस होता है. डिल्यूट एसिड में एसिड का क्वांटिटी क्या होता है? लेस होता है और वाटर का क्वांटिटी मोर होता है. अब नेक्स्ट है बेसिस. तो एग्जाम्पल ऑफ बेसिस ड्राई क्लीनर एंड ओवन क्लीनर. ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, ग्लास क्लीनर अमोनिया एंड थर्ड है TSP टेट्रा सोडियम फॉस्फेट. What are the properties of bases? तो first है bases are bitter in taste. Base कैसा होता है? टेस्ट में कड़वा होता है. Have soapy to touch. टच करने पे ये कैसे होते हैं? सॉपी होते हैं. Conducts electricity in solution. और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसमें? अपने सॉल्यूशन में. रिलीज OH- आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है. स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस इज अ कंपाउंड दैट कैन कम्प्लीटली डिसोसिएट इट्स ए कैटायन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेसिस होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर के क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड है वीक बेसिस. वीक बेसिस क्या होता है? अ वीक बेस इज अ कंपाउंड दैट पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू इट्स हाइड्रोक्सिल आयन एंड द कैटायन क्रिएटिंग एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो वीक बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और पार्शियली डिसोसिएट होकर के बहुत ही लेस अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड.
अल्कली, अल्कली क्या होता है? एन अल्कली इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन इट इज डिजोल्व इन वाटर। तो अल्कली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में वाटर फिल करने पे जब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालते हैं तो ये क्या करता है, सोडियम प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, एल्कली। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। तो कोई भी जो भी हमें गिवन कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, इसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कलर चेंज के थ्रू ये पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स के तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, फॉर एग्जाम्पल लिटमस एंड टर्मरिक। तो लिटमस जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये कौन सा कलर का हो जाता है, रेड कलर का, और बेस के कांटेक्ट में आने पे ये कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू। टर्मरिक, टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में आने पे येलो ही होता है, एंड बेस के कांटेक्ट में आने पे ये कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का। सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर, इंडिकेटर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। तो ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिन्हें लैबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया जाता है, फॉर एग्जांपल मेथिलीन ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। तो एसिड के कांटेक्ट में आने पे मेथिलीन ऑरेंज कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का, और बेस के कांटेक्ट में आने पे येलो कलर का। फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, बट बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर पिंक कलर का हो जाता है, और एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पर ये कलरलेस ही होते हैं। थर्ड है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड्स और बेसिस। तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि स्मेल चेंज के थ्रू ये पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, फॉर एग्जाम्पल वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो वेनिला एसेंस जब भी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका स्मेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बेस के साथ नो रिएक्शन। क्लोव ऑयल इनका जो स्मेल होता है वो इंक्रीज हो जाता है बट बेस के कांटेक्ट में आने पे डिक्रीज हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस।